विभाग के अगवानपुर नगर पंचायत में नाले के निर्माण और जलभराव की समस्याओं को लेकर प्रशासन ने योजना तैयार कर कार्य शुरू कर दिया है। इसी क्रम में मुरादाबाद के अगवानपुर नगर पंचायत पहुंचे एसडीएम सदर प्रशांत तिवारी ने समर वैली स्कूल से लेकर शिव मंदिर तक निरीक्षण किया। मुरादाबाद के अगवानपुर नगर पंचायत में नाले के निर्माण और जलभराव की समस्याओं को लेकर प्रशासन ने योजना तैयार कर ली है। काम शुरू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिन मुरादाबाद के अगवानपुर नगर पंचायत पहुंचे एसडीएम सदर प्रशांत तिवारी ने समर वैली स्कूल से लेकर शिव मंदिर तक निरीक्षण किया। प्रशांत तिवारी के साथ अगवानपुर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी मुरारी लाल शर्मा एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं एसडीएम सदर प्रशांत तिवारी के मुताबिक देखा गया कि अगवानपुर नगर पंचायत के कांवर यात्रा मार्ग पर थोड़ी सी वर्षा होने के बाद यहां जलभराव जैसी समस्या खड़ी हो जाती है, जिसका कारण यह है कि रोड की दूसरी साइड में नाला नहीं है। इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उसी को लेकर यहां निरीक्षण किया जा रहा है और ये योजना तैयार की जा रही है, जिससे यहां पर हो रही समस्याओं का समाधान हो सके। इसी के चलते एसएस लोकल लाइव के संवाददाता से बात करते हुए एसडीएम सदर ने बताया कि यहां पर नए नाले के निर्माण के लिए निरीक्षण किया जा रहा है, साथ ही जल्द से जल्द यहां पर कार्य शुरू करने के लिए योजना तैयार की जा रही है। साथ ही उन्होंने आगे ये भी बताया कि कांवर मार्ग पर प्रकाश की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे कांवर यात्रा के दौरान शिव भक्तों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। अगवानपुर नगर पंचायत में एक मुख्य सड़क जो कांवर पथ के नाम से जानी जाती है, यहाँ पानी की समस्या को लेकर दिक्कत थी और शासकीय अधिकारी ने बताया तो यहाँ पर हम लोग आज निरीक्षण कर रहे थे कि किस तरफ से नाला खुदवाया जाए और उसकी पहले तो वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि कांवर का जो त्यौहार चल रहा है वो सरसल सम्पन्न हो। इसके पश्चात क्षेत्रवासियों को परमानेंट समाधान के लिए भी उपाय करना पड़ेगा ताकि इसको बोर्ड में लेकर के नगर पंचायत ताकि इसको परमानेंट समाधान बनाने की कोशिश। गौरतलब है कि निरीक्षण के दौरान उनके साथ कई आला अधिकारी मौजूद थे।